हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं कोरोना वायरस के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे इस वीडियो में लेके आ गया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अपडेट है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी अब से 2 महीने पहले, शायद तब तक भारत में लोगों को ये पता तक भी नहीं था कि कोरोना वायरस होता क्या है। तब मैंने कोरोना वायरस पे एक वीडियो बनाई थी और वो भी आपको काफी हेल्पफुल हो गई तब की जानकारी के लिए। अगर आपने तब देखी होगी तब आपको बहुत कुछ नॉलेज उससे मिल गई होगी। और आज मैं उससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को एक नाम दिया है, वो है SARS-CoV-2। SARS का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। CO का मतलब कोरोना वायरस और 2, ये एक इसका साइंटिफिक नाम है, हम इसे कह सकते हैं ये इसका साइंटिफिक नेम है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या हम कह सकते हैं SARS-CoV-2। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी का क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, कोरोना वायरस से जो बीमारी फैल रही है आप सभी जानते हैं और एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो वो है COVID-19। इस बीमारी का नाम दिया गया है COVID-19। इसका मतलब मैं आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, आगे मैंने क्वेश्चन ले रखा है अलग अलग, मैं आपको सबका मीनिंग बता दूंगा COVID-19 का मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 3, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थाई नाम कौन सा दिया गया था? दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि तब इसका नाम क्या दिया गया था। अभी तो इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने। तब इसका नाम दिया गया था 2019 nCoV। इसका नाम मतलब था 2019 में, क्योंकि इसकी खोज हुई थी। एन का मतलब नोवल और सीओ का मतलब कोरोना और वी का मतलब वायरस। तो मैंने आपको पूरी इसकी डिटेल बता दी है, 2019, एन का मतलब नोवल, सीओ का मतलब कोरोना और वी का मतलब वायरस। पहले ये इसको अस्थाई नाम दिया गया था जब तक WHO इस पे रिसर्च कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेलेक्टेड मैंने वीडियो बनाई है, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए हैं, जो अपडेटेड है आज तक के करंट के वो भी इसमें है। क्वेश्चन 4 है दोस्तों आपका, हाल ही में अभी किसने छात्रों के लिए ई कंटेंट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो वो क्या है? CBSE ने। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, जैसे अभी भारत में लॉकडाउन चल रहा है तो दो बच्चे CBSE के अपने घर पर हैं, उनके बोर्ड के एग्जाम्स भी अभी रुके हुए हैं और वो किसी भी अगर क्वेरी को अपनी रेज करते हैं या उनकी कोई क्वेरी होती है तो वो क्या करेंगे, वो उस हेल्पलाइन नंबर पर, ई कंटेक्ट टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो काफी एक अच्छी, हम कह सकते हैं कि CBSE ने अपने छात्रों को घर बैठे सुविधा प्रदान करने के लिए एक नंबर जारी किया है। दोस्तों, आते हैं 5th क्वेश्चन पर, COVID-19 जो कि कोरोना वायरस से चल रही बीमारी है को किसने वैश्विक महामारी मतलब वर्ल्ड पेंडेमिक घोषित किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, WHO। WHO का मतलब मैं आपको बहुत सारी वीडियो में भी बता चुका हूं, इसका मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में मैं इसका मतलब बताऊं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का कहाँ है, वो है जिनेवा में, जिनेवा में, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है दोस्तों? वो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। और अभी जो इसके प्रेजेंट में जो इसके प्रेसिडेंट है, जो चीफ है, वो कौन है? वो है टेड्रोस एडोनोम। मैंने आपको ये पहले वीडियो में भी बताया था, जो मैंने वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संगठन है उनके बारे में मैंने जो आपको एक डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इन सबका जिक्र किया हुआ है। तो COVID-19 को WHO ने वैश्विक महामारी वर्ल्ड पेंडेमिक घोषित किया है। क्वेश्चन 6 पर आते हैं दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने COVID-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना की है? तो किसने की है? वो की है CII। CII की फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसका मतलब हुआ कॉन्फेडरेशन ऑफ
इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और 1885 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज वर्कर हैं, उनके लिए ये एक राहत कोष बनाया गया है उनको COVID-19 से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते किस राज्य में सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया था? तो ऑप्शन सी पंजाब। सबसे पहले जो कर्फ्यू लगाया गया था वो लगाया गया था पंजाब में। और पंजाब की बात करें तो सबसे पहले कर्फ्यू लगाया इसने कोरोना वायरस से, COVID-19 से अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, ये आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोरोना वायरस के चलते किस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था? तो क्या डेट थी वो दोस्तों, वो थी 22 मार्च 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था कोरोना वायरस के चलते। और कोरोना वायरस की बीमारी मैं आपको बार बार वीडियो में बता चुका हूँ, करंट में भी मैं आपको डेली बताता हूँ, जो करंट में लेके आता हूँ COVID-19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था? तो सबसे पहले जो लॉकडाउन किया था ऑप्शन डी राजस्थान ने किया था दोस्तों। सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान ने किया था, और सबसे पहले कर्फ्यू जो लगाया था वो पंजाब ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो कोरोना वायरस जो बीमारी है, कोरोना वायरस या COVID-19 जो इससे होती है बीमारी, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों किसको करती है, दिमाग को, फेफड़े को, हृदय को, किसको करती है? तो वो करती है फेफड़े को, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी और हम कह सकते हैं लंग्स को, लंग्स को ये प्रभावित करती है। काफी खतरनाक बीमारी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है जिसे चेक किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उसको COVID-19 बीमारी लग गई है, तो कौन सा टेस्ट है वो? उसका नाम है RT-PCR। RT-PCR का मतलब मैं आपको बता देता हूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज, पॉलीमराइज एक सेकेंड दोस्तों, ये मैंने इसकी पूरी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसके जो टेस्ट का नाम है वो है RT-PCR। RT-PCR कोरोना के टेस्ट का नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी पूरी फुल फॉर्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन तीन चार तरीके से पूछा जा सकता है, मैं आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे बता दूंगा। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी? वो हुई थी वुहान शहर से दोस्तों। अगर वो पूछा जाए चीन के किस प्रांत से हुई थी, यानी किस प्रोविंस से हुई थी, तो उसका नाम है हुवेई, हुवेई प्रांत। ठीक है, तो अगर शहर पूछे तो वुहान, प्रांत पूछे तो हुवेई, और महाद्वीप पूछे कि किस महाद्वीप से शुरुआत हुई थी, तो हम कह सकते हैं एशिया। ठीक है, और देश पूछे तो हम कह सकते हैं चीन। तो किसी भी तरह वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कोरोना वायरस की शुरुआत जो हुई थी वो चीन के वुहान शहर से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, COVID-19 में सीओ का मतलब बताइए। सीओ का मतलब, मैं इसका पूरा मतलब आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। सीओ का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज। ठीक है दोस्तों, 19 का मतलब क्योंकि इसकी खोज जो हुई थी वो 2019 में हुई थी, ये अपनी फैमिली का एक नया वायरस है, बिल्कुल नया वायरस है, इसीलिए इसका वैज्ञानिकों ने पहले जो नाम दिया था, N मतलब न्यू, नोवल, नोवल का नाम, और COV नोवल कोरोना 2019, या हम बोल सकते हैं 2019 nCoV, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। सीओ का मतलब कोरोना, कोरोना हो गया है, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज, और 19 2019 में इसलिए पाया गया, इसलिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों का वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया? दोस्तों वो था सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो सलमान है उन्होंने इनको इसको इसकी अध्यक्षता की, और ये पूरी वर्चुअल थी,
मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी पूरी, और वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया था, और इसमें जो डिस्कशन हुआ था वो कोविड-19 के लिए ही हुआ था पूरा इस बार। और चीन, ये काफी सारे देश जो हमारे इसके G19 देश के सदस्य हैं, अर्जेंटीना वगैरह सब इसमें शामिल हुए, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी। तो इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है वो कब बनता है, सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की, और सऊदी अरब के सलमान ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान के लिए भारत के किस फुटबॉलर का चयन किया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 बीमारी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए भारत के फुटबॉलर ऑप्शन बी सुनील छेत्री का चयन किया है। वो उसके साथ साथ अर्जेंटीना के जो लियोनल मेसी है, सुपरस्टार है, वो भी है, तो उन्होंने काफी सारे खिलाड़ियों को इसमें चुना है, लेकिन भारत के सुनील छेत्री को। ये क्या करेंगे दोस्तों, ये अनेक भाषाओं में, अपने अपनी भाषाओं में लोगों को जागरूक करेंगे कोविड-19 बीमारी से बचाने के लिए, उसके तरीके कोरोना वायरस से बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी फुल फॉर्म थी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर, एंड कोविड-19 से बचाने के लिए उन्होंने सुनील छेत्री को चुना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोरोना वायरस को किस राज्य ने सबसे पहले महामारी घोषित किया था? तो सबसे पहले जो महामारी घोषित किया था वो क्या था, हरियाणा ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो मैंने आपको तीन चीजें बता दी हैं, सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला देश, वो सॉरी राज्य, वो था पंजाब, सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला राजस्थान, और सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला हरियाणा। मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए हैं, तीनों सारे ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन लिए हैं, और 30 के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कोरोना वायरस बिल्कुल करंट से चल रहा है, शटडाउन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पूरी दुनिया प्रभावित है, तो क्वेश्चन इसमें एग्जाम से जरूर बनेंगे। मैंने इसमें 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, और दोस्तों को भी बताना इस वीडियो के बारे में। तो 17 क्वेश्चन पर चलते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए सोशल ऐप, आप व्हाट्सएप को भलीभांति जानते हैं, व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है, वो क्या है, व्हाट्सएप चैट बॉक्स। इसके इसमें ये क्या करेगी, व्हाट्सएप जितने भी यूजर्स हैं इनको इंडिया में ये जागरूक करेगी कोविड-19 से बचाने के लिए, और उनके प्रति बीमारी कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए। दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए सोशल ऐप, इस बार बात हो रही है इंस्टाग्राम की, आप इंस्टाग्राम को भी भलीभांति जानते होंगे, तो इंस्टाग्राम ने कौन सा किया है, वो किया है इंस्टाग्राम फीड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, और इसका भी वही काम है, ये भी लोगों को जागरूक करेगी कोविड-19 से बचाने के लिए। कोविड-19 आप समझ लीजिए कि इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप बिल्कुल ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, कोविड-19 से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, इस बार क्वेश्चन में पूछा गया है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए सोशल ऐप फेसबुक, अभी मैंने आपको पहले बताया व्हाट्सएप, फिर बताया इंस्टाग्राम, नाउ फेसबुक, तो कौन सा फीचर लॉन्च किया है फेसबुक ने, वो क्या है, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ये भी लोगों को जागरूक करेगी कोविड-19 बीमारी से बचाने के लिए, उसके सिम्टम्स बताएगी, उससे प्रिकॉशन, उससे कैसे बचा जाए, क्या क्या उसके प्रिकॉशंस हैं, पहले ही हम अपने आप को तैयार कर लें, वो सब इसमें जागरूक किया जाएगा। तो ये सोशल ऐप ने, फेसबुक ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर को अपना फीचर लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 20 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा फीचर लॉन्च किया? गूगल सभी जानते हैं गूगल क्या है, और गूगल ने ये साइट बनाई है, दरअसल में इसकी वेबसाइट है, और वो वेबसाइट कौन सी है, वो है डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, google.com/covid-19, देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कोविड-19 बीमारी के लिए बनाया गया है और गूगल ने बनाया है, तो google.com इसकी ये पूरी साइट है जो हमें, वेबसाइट है जो हमें इसके बारे में बताएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर यहाँ पे पूछा गया है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने, तो पंजाब की गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, वो क्या है, कोवा पंजाब, ऑप्शन सी कोवा पंजाब जो ऐप है वो पंजाब की गवर्नमेंट ने लोगों को कोविड-19 से ही बचाने के लिए मतलब लॉन्च किया है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है, मतलब कोविड-19 बीमारी से ही रिलेटेड है,
और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैं कह दूं कि एग्जाम में आने लायक नहीं है। आप खुद क्वेश्चन का लेवल देख के समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसे कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है लेकिन हम इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोविड 19 से के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहां स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है ओडिशा में, ओडिशा में। और सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ पे बनाया जा रहा है एंड ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी, तो दोस्तों ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और यहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। एंड ओडिशा के बारे में एक करंट का क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो थे यूनिवर्सिटी वाले, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स याद रखना, वो भी कहाँ आयोजित किए गए थे? वो भी ओडिशा में ही आयोजित किए गए थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोस्कोप में देखने पर कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना जो है, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है, आप जानते हैं, क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, क्राउन। आपने इसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, गवर्नमेंट हमारी जागरूक कर रही है हमें बचने के लिए, तो क्राउन टाइप में वो है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जो यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, तो वहां पे एक मैं इसकी मेरी जो मैंने कोरोना वायरस की जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी, मैं उसका सजेशन वहां पे डाल रहा हूँ, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। उसे देखने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो और इसका जो क्राउन, जो क्राउन है, और कोरोना वायरस इसका नाम भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि क्राउन की तरह दिखता है, क्राउन की तरह, ताज की तरह। क्राउन क्या होता है दोस्तों? ताज होता है, ताज को हम कहते हैं जो सर पे पहनने वाला ताज होता है वो होता है क्राउन, और उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर देखी जाती है। एंड इसके बारे में आप मेरी वीडियो डिटेल वाली देख सकते हैं। एक और मैं बात बता दूं, ये दोस्तों कोरोना वायरस कोई नया नहीं है, सिर्फ इसकी जो ये अपनी फैमिली का नया वायरस है। कोरोना वायरस पहले भी थे लेकिन ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल एडवांस है और अपनी फैमिली का बिल्कुल नया वायरस है। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है आज की डेट में, मतलब आज जब मैं ये वीडियो 31 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इसका कोई क्योर नहीं है, और बहुत सारी वैक्सीन ट्रायल पर हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, और इसकी वैक्सीन आने के बाद भी काफी सारे क्वेश्चन इस पर बनेंगे। तो फिलहाल तब भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, आप इसको ध्यान से देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो वो है दोस्तों उपयुक्त दोनों, मतलब SARS भी और MERS भी, इसमें दोनों है। एंड तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, दोनों की मैं फुल फॉर्म अभी आपको बता ही देता हूँ। SARS की मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोस्तों मैंने दोनों की यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दी है, SARS का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और MERS का मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोनों ही हमारी फेफड़ों यानी हमारी लंग से रिलेटेड है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है सारी। तो दोनों बीमारी कोरोना वायरस की देन है, कोरोना वायरस की वजह से दोनों ये बीमारी हो रही है। दोस्तों एक और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने अभी बताया, कोरोना वायरस अब कोई नया नहीं है, सिर्फ ये अपनी फैमिली का नया है जो इस बार आया है। तो कोरोना वायरस पहले से भी है लेकिन वो उन सबके क्योर भी है, उन सबके ट्रीटमेंट भी है, लेकिन ये अपनी फैमिली का बिल्कुल नया वायरस है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1960 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा भी हैं कि लोगों को लगेगा ये नया वायरस है, वो हो सकता है 2019 टिक कर गया है, कुछ भी टिक करके आ सकते हैं, लेकिन 1960 में इसका पहला केस जो पहला था वो पाया गया है। काफी सारी बुक्स आप देख रहे होंगे सोशल साइट्स पर वायरल हो रही है उनके फोटो की, ये इस बुक में पहले से है, आपने देखा होगा जीके की बुक के नाम दिए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि ये इस बुक में पहले से है। तो वो वही वायरस है, ये जो है ये नया है, इसका वो क्योर नहीं है जो उन बुक्स की फोटो आप व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है या किसी भी साइट्स पे वायरल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26, कोरोना वायरस के जो मुख्य लक्षण है वो कौन से होते हैं? दोस्तों कोरोना वायरस में क्या क्या होता है? खांसी होती है, बुखार होती है, कफ होती है, मतलब कफ में क्या होता है आपको थोड़ा दिक्कत होती है खांसने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यही सब है आपका। और ये तो ऑप्शन इसका डी हम करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सारे इसकी मुख्य बीमारी के लक्षण है, इसकी बीमारी की कोरोना वायरस की COVID-19 की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27, COVID-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? कौन सा वायरस जिम्मेदार है दोस्तों? तो वो है
एसएआरएस सीओवी टू हम कह सकते हैं, एसएआरएस सीओवी टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टेस्ट टू, ये एक इसका साइंटिफिक नेम भी था जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन कराया था, साइंटिफिक नेम भी था ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, केंद्र के जो वित्त मंत्री हैं ने लॉकडाउन की वजह से किस योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पे योजना पूछी जा रही है हमसे, कितनी अमाउंट है 1.7 लाख करोड़, तो वो कौन सी है, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें होगा क्या दोस्तों, जो लोग हैं उन्हें जो राशन मिल रहा है 5 kg पर मंथ जो मिल रहा था गेहूं और चावल, तो उसमें हुआ क्या है, उसमें हुआ यह है कि एडिशनल इनको 7 kg मिलेगा और 1 किलो दाल भी इनको मिलेगी, और इससे जो मतलब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं कि 80 करोड़ जो लोग हैं भारत के, 80 करोड़ पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाएगी। काफी बड़ी अमाउंट होती है 80 करोड़ पॉपुलेशन, और वो इसमें कवर हो जाएगी, मतलब गरीब इसमें सभी कवर हो जाएंगे, और 1 kg दाल भी इसमें है, और ये जो हर मंथ उनको कोटा मिलता है ये उससे अलग है, ये उससे अलग है, आप समझ रहे हैं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो किस देश ने की थी, तो मैंने अभी आपको बताया था क्या था, सऊदी अरब, और मैंने बोला भी था उनके सलमान, यानी उनके सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सैयद ने इसकी अध्यक्षता की थी, और पूरी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग थी ये, तो सऊदी अरब इसका याद रखने का, सऊदी अरब। एंड जो मैंने पूरी डिटेल्स इसकी बताई है वो आप सब याद रखती है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग थी, और जितने भी G20 देशों के जितने भी जो देश हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, और इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, और इस वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हैं, अगर आपको अपने खुद को टेस्ट करना है, खुद को रिवीजन करना है, आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। मैं डेफिनेटली आपसे बोलता हूँ, ये शॉर्ट ही देता हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, आपको बार बार कहीं से अलग से कोरोना वायरस पर कोई डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वीडियो आप देख लीजिए, और ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है वहां मैंने सजेशन में दूसरी वीडियो का लिंक डाला है, आप उसे भी देख लीजिए। तो दोस्तों आप बिना स्किप करे ये वीडियो देखना, दोबारा से देखना, रिवाइज करना, यहीं से करना, और आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ितों के इलाज में लगे डॉक्टर और जो नर्स हैं, जो आशा वर्कर हैं, उन सबके मेडिकल स्टाफ को कितने लाख का इंश्योरेंस कवर दिया है। ऑप्शन ए बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन जिंदगी दांव पर है दोस्तों, बहुत बड़ी बहुत गंभीर बीमारी है, और उसके बचाव में जितने भी हमारे देश के डॉक्टर्स और वो सब लगे हुए, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 50 लाख इंश्योरेंस कवर देने जा रही है। इसमें होगा क्या, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी आशा नर्स हैं, वर्कर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब इसमें, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस कवर उनको मिलने जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी सब्जेक्ट्स की अगर आपको अलग कोई भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस क्लासेस के साथ साथ आपको रीजनिंग, मैथ्स भी हम डेली देने जा रहे हैं, देते हैं, और सुबह 6 बजे तो आपको डेली करंट में लेके आता ही हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।